हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेस्टर ने फ्रैंकलिन को एक टारगेट दिया है मारने के लिए और हमें जाना है टारगेट पे, मगर मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी गाड़ी नज़र आई। आंटी प्लीज़ हमें एक गाड़ी दे दीजिए। आंटी को वहीं धक्का देकर सड़क पे फेंक दिया। और ये बड़ी अच्छी कन्वर्टेबल लग रही है क्योंकि मिशन में हमें एक बंदे को मारना है और वो गाड़ी में होगा और गाड़ी में जाएगा तो हमें उसे शूट करना है। तो सीधा चलते हैं टारगेट पे। सड़क के किनारे यहाँ पर एक औरत खड़ी हुई होगी और वो जिसको मुझे मारना है वो आएगा और उस बंदी को गाड़ी में बिठाएगा। तो मुझे इंतज़ार करना है उस बंदे का। ये वो लड़की है, मैं करीब जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये खड़ी हुई है और मैं उस बंदे को जानता नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि इस लड़की को वो गाड़ी में बिठाएगा और लड़की जो है सिर्फ इसी की गाड़ी में बैठेगी। तो मैं चलता हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ पर मैं निशाना लगा सकूँ ठीक से। और यहाँ पे और लड़कियाँ हैं, वो कह रही हैं कि चले जाओ यहाँ से, कहीं वो मुझे देख ना ले, इसलिए मैं कहीं कोने में लगा लेता हूँ गाड़ी और इंतज़ार करता हूँ वो बंदा कब आता है और इस लड़की को गाड़ी में बिठाता है। ये जगह मुझे ठीक लग रही है। अरे टक्कर लग गई। यहाँ से मैं ऐसा एंगल बना लेता हूँ ताकि मुझे वो लड़की भी नज़र आए और गाड़ी अगर आए तो गाड़ी भी नज़र आए, ठीक है ना। और मैंने गन रेडी की हुई है, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आई हैं और मुझे लग रहा है ये गाड़ी आ चुकी है और उसमें वो लड़की बैठ गई है। लड़की मुझे नज़र नहीं आ रही। और मिशन आ गया, एसेसिनेट द टारगेट। और ये बंदा जा रहा है, मैंने इस पर निशाना मारा, ओ मगर निशाना मिस हो गया। अब मुझे गाड़ी चलाते हुए इसके पीछे जाना होगा। अरे यहाँ पर कचरे के ऊपर गाड़ी चलाता हुआ गया मैं। अरे वो भी बहुत ज़्यादा फायर कर रहा है मुझे, मुझ पर। अरे आ जा बेटा, ये इसको मैं टक्कर मार। अरे भैया, अबे मुझे भी डैमेज कर दिया उसने, मारता हूँ मैं, झाड़ियों में फंस गया है वो कहीं। अबे मर जा गाड़ी से, मगर वो भाग गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। नहीं लगी गोली उसको। अरे यार दूर निकल गया। और मगर मसला ये हो गया है, यहाँ पे पुलिस आ गई है। पुलिस ने इतनी फायरिंग सुन करके पुलिस आ गई है यहाँ पर। अब पुलिस से भी बचना है और उस बंदे को भी मारना है। उसकी गाड़ी के पीछे भी पुलिस लग गई है। मैप में आप देख रहे होंगे उसकी गाड़ी का डॉट नज़र आ रहा है, उसके पीछे पुलिस का सायरन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और अब ये के मिशन में थ्रिल आ चुका है। और ओ ओ ओ, अब एक किधर निकल गया। अरे ये रहा, इसकी खुली हुई गाड़ी है मेरी तरह, इसको मैं मारता हूँ। पुलिस वाले मुझे पे भी मार, मुझे भी मार रहे हैं। अरे यार लगी नहीं उसको। और पुलिस मुझे कह रही है रुक जाओ। और किधर गया, हाँ ये रहा सामने। अरे यार इतने करीब में पहुँच गया। वो जा रहा है सामने, पीछे की एक लाइट उसकी गाड़ी की टूट चुकी है। गाड़ी चलाते हुए फायर। अरे यार ये पुलिस मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसका काम तमाम करता हूँ। अरे रुक गया रुक गया, गाड़ी रुकी उसकी। ये मैंने इसका लीव द एरिया मार दिया, मैंने हेडशॉट लिया उसका। और यहाँ पर अब मेरा मिशन है कि यहाँ से भाग जाऊँ इससे पहले कि पुलिस पकड़ ले। और पुलिस को चकमा दे के यहाँ से निकल जाना है। अरे यार गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। खैर अपनी गाड़ी का, अरे हट जाओ मेरे सामने से कोई ना आए। अबे ये गाड़ी तो गई। अब मैं पैदल भागता हूँ पुलिस से बचने के लिए। और ये नीचे छलांग लगा ली मैंने और रोड पर जाकर के दूसरी गाड़ी चुराता हूँ। यहाँ से भागता हूँ मैं और ये हाईवे पे आ गया हूँ। अरे तेरी बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी आ रही है। और यहाँ पर हमें एक गाड़ी नज़र आई और है आंटी को उठा करके फेंक दिया और अब ये गाड़ी मेरी हो गई। सॉरी सॉरी क्या करें। और बाइक पर, अरे यार परेशानी में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस को डॉज देने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जल्दी जल्दी ट्रैक चेंज कर लें, बेशक रॉन्ग साइड पे जाना पड़े। और अभी भी पुलिस नज़र आ रही है मैप में। और थोड़ा सा अगर हम डॉज दे दें पुलिस को तो हम बच जाएंगे पुलिस से। और ये पुलिस ख़त्म हो गई, चली गई। और ये फ़ोन लगा रहा है लेस्टर को, कह रहा है मिशन कंप्लीट हो गया है, तुमने जो टारगेट दिया था हमने उसको मार डाला। और लेस्टर बहुत खुश हो रहा है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिशन का नाम था द वॉइस एसेसिनेशन। और एंड तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।